स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एबेकस के बेनिफिट्स बताने वाले हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि हमारे दो ब्रेन होते हैं, कौन कौन से ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। वैसे हम नॉर्मली जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम लेफ्ट ब्रेन को यूज़ करते हैं। बिकॉज जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली वर्क करता है। राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है। तो हमारा जो एबेकस है ना, दोनों ब्रेन में क्या करता है, बैलेंस बना कर लाता है। कैसे बैलेंस बनाता है बच्चों, अगर मैं आपको कोई भी स्टोरी सुनाती हूँ तो आप एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ और दूसरी स्टोरी मैं आपको दिखाती हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी स्टोरी आपको जल्दी याद हो जाती है? अगर आप देखोगे जिस स्टोरी को आपने अच्छे से देखा है वो आपको जल्दी से याद हो जाएगी, और जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है वो स्टोरी आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगी। क्यों क्यों याद नहीं होगी? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें याद जल्दी हो जाती है। उसी प्रकार हम एबेकस पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो जितनी भी ये हमारी बीट्स हैं ना, ये हमारे लाइक ए पिक्चर है जो हमारे लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों पर स्टोरी की तरह काम करता है। तो कैसे, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वर्क है ना, लेफ्ट ब्रेन तो वर्क करेगा ही करेगा, बट राइट ब्रेन भी वर्क करेगा। जब हमारे दोनों ब्रेन वर्क करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है ना, बहुत ही फास्ट हो जाएगी। जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो बच्चों आपको पता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स का फोबिया होता है, लेकिन जब बच्चे एबेकस ज्वाइन करते हैं तो वो मैथ्स के फोबिया को रिमूव करते हैं। बेनिफिट ऑफ एबेकस लर्निंग, क्या क्या बेनिफिट हैं? नंबर वन, रिमूविंग फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर टू, इम्प्रूव्स मैथ्स स्किल्स। नंबर तीन, इनहेंसेस मेमोरी एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, डेवलप लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल। नेक्स्ट बेटा, फिफ्थ नंबर पर इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट बेटा, इम्प्रूव स्पीड्स एक्यूरेसी इन मैथ कैलकुलेशन। नेक्स्ट, मेनली ओवरऑल एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये इतने सारे जो पॉइंट हैं, जब आप एबेकस को ज्वाइन करते हो ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपके इम्प्रूव होते हैं। क्यों? देखो, जब आप क्या करोगे, क्रिएटिव भी वर्क करोगे और लॉजिकली भी वर्क करोगे, तो आपके पास इतनी पावर होगी। क्योंकि आपने देखा है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाय बर्थ, उनका क्या होता है, बाय बर्थ ही वो कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? जितना एक बच्चा क्या है, बहुत अच्छे से ड्राइंग बना सकता है, बट दूसरा बच्चा ड्राइंग नहीं बना सकता, बट वो मैथ कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से कर सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अगर हम ड्राइंग ही ड्राइंग बनाएंगे तो हम क्या है, हमारे सामने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अगर हम कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करेंगे देन हमारे सामने और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें क्या, एबेकस क्या करता है, इन प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। कैसे, जितना कि आप क्रिएटिव वर्क करोगे ना, उतना ही वर्क आप लॉजिकली ही करोगे। हम लोगों को नहीं पता है, जो हमारा जो राइट ब्रेन है ना, क्रिएटिव ब्रेन है, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू लेफ्ट ब्रेन। क्यों? क्योंकि चीज़ें हमें देखकर प्रैक्टिकल करने पर ज़्यादा समझ में आती हैं, लॉजिकली हमें इतना समझ में नहीं आता है। तो हेलो किड्स, आपको एबेकस के बेनिफिट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट ऑन द एबेकस। थैंक यू गाइज़।